तक आपको बताएगा, यू विल नो व्हाट इज एक्चुअली द फिजिकल एक्सरसाइज इज। तो जो यहाँ पे मेहमान आने वाले हैं वो किसी छोटे रैंक के नहीं, इस एक्सरसाइज में वो कर्नल रैंक है। ये जन बोकिन जैसे तमाम ओवरऑल डिसिप्लिन या सेटर मस जैसे ये चीज करा उस तो मैं आज के इस हेको टीम से आज घंटे तक है जो एक मेहमान को यहाँ पे दावत दी है वो हमारे मिस्टर भी हैं, पुलिस भी हैं। इसके लिए हमने एक मेहमान है हमारे, वो फिजिकल इंस्ट्रक्टर हैं और इस लेवल के हैं जो वो से पूरे इंडिया में अपना लोहा मनवा के आए हैं। इसका मैं कहता हूँ वो ही कर्नल रैंक है इसमें एनसीसी हो एनएसएस हो या फिजिकल एजुकेशन के मतलब कुछ भी हो वो उनके मतलब है, उनको मैं अपना गुरु समझता हूँ। तो उसके लिए हमको बड़ी रिक्वेस्ट की है, हमने बड़ी मुश्किल से हमको वहाँ से लाए हैं जहाँ पे जिसकी हैं, उनको मैंने बोला कि आज हमें हमारे हमें पता चले कि हमें माने जिसके में फिजिकली में करना क्या होता है, कहाँ पे हमें कमजोरियाँ हैं वो हम इन चीज़ों को हम पूरा करेंगे। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आप और उनके दरमियान, मैं उनको मदद करना चाहता हूँ। उनका नाम है बिपिन अहमद रेड्डी, वो लेक्चरर हैं केमिस्ट्री लेक्चरर हैं हायर सेकेंडरी गली घोड़ा से, तो उनको हमने रिक्वेस्ट किया यहाँ पे बुलाया है। बच्चे सर जो इन्वाइटेड है तालियों से सम्मान करेंगे, बड़े जोर जोर से इनको भी लाना चाहिए कि बाकी जो यहाँ पे चाहे कोई बोलने के लिए आए, चाहे कोई आपको कहने के लिए आए, चाहे कोई आपको सिखाने के लिए आए, आर आने फॉर योर बेटरमेंट। तो इनको लगता है कि एक और जोरदार तालियों के साथ आप Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. As directed by the principal that I should spend some time with you here in higher secondary school Majhul, I found it privileged for myself to be among you. But I request you all that cooperate and listen and act. Whatever the command will be given to you, you should act accordingly. जो भी कहा जाएगा उसी तरीके से आप अपने कदम उठाएंगे, क्योंकि बार बार ऐसे मौके नहीं मिलेंगे आपको सीखने के लिए। ये टाइम है, ये एज है, ये वक्त है आपको सीखने का। तो चलिए अब मेरा टाइम नहीं लेंगे। सबसे पहले क्या है साउदर्न की पोजीशन? पहले मालूम होनी चाहिए आपको साउदर्न की पोजीशन क्या है। साउदर्न की पोजीशन है ये जो एरिया है ये आपको मिलानी है, ये मिला के रखनी है और 30 डिग्री का एंगल इन दो पैरों के दरमियान होना चाहिए और ये जो हाथ है ये अंगूठा ऐसे बंद करना है, अंगूठा इसके ऊपर और उसके बाद ये अंगूठा जो है पैंट की सिलाई के साथ, जो पैंट की सिलाई है पैंट की सिलाई के साथ आपका अंगूठा आना चाहिए, समझ गए? ये एल बनाना है यहाँ पे, ठीक है एल बनाया और उसके बाद यहाँ पे पैर दबाया, हाथ वहीं तक कीजिए। साउदर्न की पोजीशन में वापस ये वैष्णव ये साउदर्न ये वैष्णव साउदर्न यहाँ पे इसको करिए। क्वेश्चन देखिए आप वापस अपनी जगह पे दाने और उसके बाद एक दो तीन ये आपका पूरा दाने मोड़ और उसके बाद जब भी कभी भी एक्सरसाइज आप शुरू करोगे फर्स्ट ऑफ ऑल अपने आप को गर्म करना है, यू हैव टू वार्म अप योरसेल्फ। 2, 6, 2, 7, 2, 8 ये सारा आपको करना है, यू हैव टू डू इट। उसके बाद फिर जो रोजमर्रा की एक्सरसाइज है तो मैं ये चाहता हूँ कि आप ये स्टेप पहले फॉलो करें। Hey, 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 hey
बाद आवाज नहीं आ रही है अभी तक टाइम तो बचपन से वेरी गुड बहुत अच्छा बहुत नाइस अब मैं अल्लाह का करम है इस हमारे माशरे में आज के दिन में ऐसे उस्ताद हैं जिनको सीखने सिखाने का जज्बा है। मैं मुझे साहब एक बार फिर शुक्र करता हूँ कि उन्होंने यहाँ पर अपना वक्त निकाल के आप लोगों को सिखाया और जो जज्बा आपने दिखाया आई एम रियली इंस्पायर्ड बाय यू, क्योंकि जो जज्बा आपने मैंने देखा बॉइस जो बाहर बैठता था आज लाइन में बैठा है घर और जो कभी बात नहीं सुनती थी लेकिन आज वो जज्बे से बांध को करती थी। वेरी वेरी थैंक्स टू यू और हम चाहते हैं हम बहुत ही मशहूर है विजय साहब जो यहाँ पर आए अपना वक्त निकाला और हमारे बच्चों को बहुत सही एक्सरसाइज सिखाई जिनका एक पूरा था हमारे स्कूल में, तो आज बच्चों ने माशाल्लाह बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई, इनमें टैलेंट है, तो फिर से हम इसके बहुत शुक्रगुजार हैं विजय साहब की जो यहाँ आए अपना वक्त निकाल के और हमें कुछ एक्सरसाइज सिखाई। को पर्सनली जानता हूँ ये बहुत जैसे आपको यहाँ दिखे ये रियल लाइफ में भी ऐसे हैं, ऑलवेज हेल्पफुल और जो भी इनके पास जो भी कैपेसिटी जो भी एबिलिटी है ये चाहते हैं कि वो इम्पार्ट करें टू नेक्स्ट जनरेशन। हमने भी सीखा ऑब्वियसली आपने भी सीखा
इंशाल्लाह हम ये होप करते हैं कि ये किसी पूरा एक वीक हमारे साथ दें और हमें जो जुड़ने आज हमें ये सिखाया इसमें और निखार लाए। शुक्रिया। ये है कि हमारे बहुत सारे बच्चे स्पेशली इस एज के बच्चे वो ड्रग्स की ओर जा रहे हैं और हमें अपनी एनर्जी को चैनलाइज करने की जरूरत है। अगर हम अपनी एनर्जी को स्पोर्ट्स की ओर लगा दें, खेल कूद की ओर लगा दें तो बहुत बेहतर रहेगा। आज बशीर साहब के आने से ये हो गया कि सारे के सारे जो हमारे बच्चे हैं जो सर के आने से यहाँ पे इनमें भी एक जोश भर गया, क्योंकि इस एज में जब ये इतने फिट है इतना कर सकते हैं, ये तभी पॉसिबल है जब हमने अपनी पूरी जिंदगी अपनी एनर्जी को चैनलाइज राइट डायरेक्शन में करा है। तो हम यही चाहेंगे कि हमारे बच्चे भी अपनी एनर्जी को राइट डायरेक्शन में चैनलाइज करेंगे, जो वबा फैली हुई है हमारी सोसाइटी में ड्रग्स फैलने को रिलेटेड उससे दूर रखेंगे। तो थैंक यू और थैंक यू फॉर योर कोऑपरेशन। टेक्निक्स थी वो क्वाइट डेक्स्ट्रस थी और जो भी इन्हें टेक्निक्स यूज की दैट वायर ग्रैपलिंग एक्शन, सो इट विल डेफिनेटली प्रूव क्वाइट फ्रूटफुल एंड रिजल्ट ऑन इट। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक्चुअली जो है क्योंकि मुसलमान होने के नाते हम अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र अदा करते हैं। इस्लाम ने हर मामले में हर शोबे में जो हमारी रहनुमाई की है और ऐसा नहीं हो सकता कि हमारी जो है सेहत के हवाले से जो इस्लाम खामोश है, कतल नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल अब्दुल कवी खैर मिन अब्दुल ज़ईफ, जो ताकतवर बंदा होता है अल्लाह ताला का वो बेहतर है उसके मुकाबले में जो कमज़ोर हो नाकाम हो, क्योंकि जो ताकतवर होगा सेहतमंद होगा वही जो है इस समाज के लिए काम आ सकता है, दीन के लिए काम आ सकता है। जो ज़ईफ लागर कमज़ोर होगा वो तो खुद अपने लिए मोहताज होता है, दूसरों के लिए वो कुछ नहीं कर सकता। लिहाजा यहाँ पे बशीर साहब का आना हमारे लिए किसी नियामत और अज़मत से कम नहीं है। हम ये समझते हैं कि वो आए और यहाँ पे हमारे बच्चों के अंदर जो जोश और जज्बा और उन्हें एक ललक और रमक पैदा की है, हम उनके जो है तहे दिल से और दिल की अमीर गहराइयों से इंतहा ज़्यादा मशकूर है कि उन्होंने ये टाइम निकाला हमारे लिए और हमारे इस हवाले से जो हमारे इस इदारे के जो रोहरवा और सरप्रस्त जो हमारे प्रिंसिपल साहब है उनका ये इस हवाले से ये बड़ा बेहतरीन इकदाम है कि उन्होंने इस तरह के लोगों को यहाँ पे इनवाइट किया, दावत दी, ताकि हमारे तलबा के अंदर एक जोश और जज्बा पैदा हो और वो अपनी सेहत के हवाले से जो है काफ़ी ज़्यादा जो है फिक्रमंद हो। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का जो सेशन रहा ये काफ़ी कामयाब रहा, काफ़ी समराव रहा और उम्मीद करता हूँ कि आइंदा भी इंशाल्लाह आप लोग इस चीज़ से मुस्तफ़ीद होते रहेंगे। शुक्रिया। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। तो आज उन्होंने हमारी टेस्ट पेट कर करके अपना ड्यूटी वक्त निकाल के बच्चों के साथ उन्होंने यहाँ सेशन की और फिजिकल एजुकेशन जो हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर बनता है जिसमानी किस्म का, यहाँ पे और आप जो टीचर से उन्होंने भी यहाँ पे आज सीखा कि फिजिकल एक्सरसाइज कैसे बच्चों को ठीक और बच्चों ने भी बहुत ही बड़े गर्म जोशी से इसमें हिस्सा लिया। तो एक बहुत अच्छा सेशन रहा आज का। Also request our director of education, he will also please disappear at least one week on this wishes up so that our kids can send the importance of their physical activities, bachchon ko physical activity education ke sath sath physical activity karna bhi bahut zaruri hai, jisme aaj ke bachche pareshan hokar drugs ki taraf jaate hain, un cheezon ko rokne ke liye ye cheezein apne shishu mein bahut hi zaruri hai। आज हमारी ओवरऑल जो हमारा रोल रहता है बच्चों का बहुत ही ज़्यादा रहता है, जैसा आप देखा होगा कि सभी बच्चे हमारे यहाँ अपनी क्लासेस हो रहे हैं, इनका ओवरऑल जो हमारा सिलेबस से वो कम्प्लीट हुआ है, लेकिन हम इनको बाकी गलत नेगेटिव की तरफ न जाकर पॉजिटिव की तरफ आ जाएँ। एक अच्छा मैसेज इंशाल्लाह बच्चों ने कि ये चीज़ें हैं और बच्चों ने बड़ी इंतजाम से बड़े बड़े शौक से इसमें हिस्सा लिया और एक अच्छा आज का पूरा वातावरण रहा कि पूरी इंस्टीट्यूशन जो है गर्म जोशी के साथ इसमें आई एम ऑल्सो आई एम वंस अगेन थैंकफुल टू माई किड्स ऑल्सो माई स्टाफ।